ये वही सॉफ्टवेयर है और इसको आप अनइंस्टॉल कर दो यहाँ से। और इसको अनइंस्टॉल करने के बाद में आप क्या है काल जाने तो संतुष्टि मिलने वाली है, वो आप खुद ही फील कर पाओगे। तो मेरे को लगता है मैंने आपको चीज़ें अच्छी बताई। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भाई लोगों को जिसको नुकसान हो रहा है या जो इरिटेटिंग हो रहे हैं सिस्टम की वजह से तो उनको फ़ायदा होगा, आप इसको शेयर कर सकते हो। और मैं सिस्टम को ऑफ करके भी आपको दिखाऊंगा कि देन उसके बाद में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें और देखें। हेलो फ्रेंड्स, डेमो मेंबर्स पे आप सभी का स्वागत है, जय श्री राम। और आज मैं एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जिससे मैं पर्सनली खुद थोड़ा सा परेशान था, मेरे को लगा कि शायद आप लोगों को भी इस चीज़ से हेल्प हो सकती है। तो एक्चुअल में हुआ ये कि मेरी खुद की दो यूट्यूब आईडीज थी, एक जीमेल आईडी थी, वो हैक हुई थी। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, और मैंने पूरा कंप्यूटर चेक किया तो मुझे एक छोटी सी चीज़ नज़र आई, और जिससे मेरे को शक भी था कि शायद यहाँ से कुछ हो सकता है घर पर। इसके नोटिफिकेशन मेरे सामने आ रहे थे, तो अपन उसी पे डिस्कस करेंगे और उसको कैसे हटा सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग नाम से इंस्टॉल होता है, तो मैं ये भी बताऊँ कि आप इसको अनइंस्टॉल करने का कैसे ढूंढ पाओगे, इसको फाइंड आउट कैसे कर पाओगे सॉफ्टवेयर को। और मे बी पॉसिबिलिटी शायद ये सॉफ्टवेयर की वजह से हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ चीज़ें जो आपको पता भी नहीं है बट वो गड़बड़ हो सकती हैं, तो उसी को रिमूव करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपके पीसी के अंदर पीसी एक्सेलरेटर प्रो के नाम से एक सॉफ्टवेयर होगा, ये वाला। तो इसके अंदर ये कुछ लाइसेंस वगैरह और ये सब कुछ दिखाता है, और ये इधर नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी फिक्स दिखाता है, यहाँ पे इसे हट नहीं रहा। जब मैं यहाँ से इसको सेटिंग के अंदर जाके देखता हूँ कंट्रोल पैनल में, तो मुझे ये किसी भी नाम से दिखाता नहीं है जब मैं ये देख रहा हूँ। तो मेरे को ये शो नहीं करता, तो मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने पूरे सिस्टम को चेक किया तो मेरे सामने कुछ एप्लीकेशन आए जिसको मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे हटाओगे। ये जो सॉफ्टवेयर है पीसी एक्सेलरेटर प्रो, जो मेरे को कहीं पे भी दिख नहीं रहा था कहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करूँ, जो कि बार बार मेरे को नोटिफिकेशन दे रहा था, इरिटेटिंग भी है। और मेरे को लगता है शायद इसकी वजह से मेरी दो आइडिया हैक हुई है और मेरे को उसकी वजह से लॉस भी हुआ है। तो फिर फाइनली मैंने इसको थोड़ा सा देखा और मेरे को ये मिल गया कि मैं इसको कहाँ से डिलीट करूँगा, वही मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सेटिंग पे चलेंगे, सिस्टम की सेटिंग पे आ जाते हैं, एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्पीड अप। ये देखो इसके अंदर किसी और ही नाम से दिखा रहा है, आपके सिस्टम में किसी और नाम से दिखा सकता है, थर्ड पर्सन के सिस्टम में किसी तीसरे नाम से भी दिखा सकता है। बट आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर जाना है, वहाँ पे आप स्पीड अप नाम से जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला जो आगे का कुछ नाम है ये कुछ और दिखेगा, बट आपको पीछे स्पीड अप जरूर मिल जाएगा। तो आप जैसे इसको सर्च करोगे आपको ये सामने आ जाएगा, ये वही सॉफ्टवेयर है, और इसको आप अनइंस्टॉल कर दो यहाँ से। और इसको अनइंस्टॉल करने के बाद में आप क्या है कालजने तो संतुष्टि मिलने वाली है, वो आप खुद ही फील कर पाओगे। तो मेरे को लगता है मैंने आपको चीज़ें अच्छी बताई। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भाई लोगों को जिसको नुकसान हो रहा है या जो इरिटेटिंग हो रहे हैं सिस्टम की वजह से तो उनको फ़ायदा होगा, आप इसको शेयर कर सकते हो। और मैं सिस्टम को ऑफ करके भी आपको दिखाऊंगा कि देन उसके बाद में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें और देखें। अनइंस्टॉल होने के बाद में मेरे पास वापस से इसका पॉपअप बनता है कि नहीं बनता है, ये वही सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, मेरे को जहाँ तक लगता है ये वही सॉफ्टवेयर है। और आपके सिस्टम में भी अलग अलग नाम से दिखाएगा, आप उसको अनइंस्टॉल करोगे देन वो नहीं दिखाएगा आपको पास में।
ये मेरे पास में दिखा दिया है अनइंस्टॉल कंप्लीट सक्सेसफुली। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ देखता हूँ तो यहाँ से भी हट गया है, आप देख पा रहे हो। तो फिर भी मैं इसको एक बार टर्न ऑफ करके देखता हूँ। मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। अब अपन देख रहे हैं कि जैसे सिस्टम ऑन होगा तो वापस से पीसी एक्सेलेरेटर का जो है नोटिफिकेशन और जो वो पॉपअप जो देता रहता है वो आता है या नहीं आता है। नहीं आता है देन हम सक्सेसफुली हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। आता है वैसे नहीं आएगा, आपके सिस्टम में भी किसी और दूसरे नाम से दिखाएगा। स्पीडअप के नाम से सर्च करना, अनइंस्टॉल कर देना, नहीं दिखाएगा डेफिनेटली। सिस्टम ऑन हो गया है। अलग अलग तरीके के जो पॉपअप्स जो आते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं आना। गूगल ड्राइव का आ गया, मैंने इसको हटा दिया है। ये अपना गेमिंग का है, इसको मैंने हटा दिया। ये इसको भी मैंने हटा दिया। और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीसी एक्सेलेरेटर कम्प्लीटली हट गया है हमारे सिस्टम से। और थैंक यू सो मच भाइयों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। डेमो गेमर्स पे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं। और हमारे गेम्स तो आपको पसंद आ ही रहे होंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।